कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने सवाल उठाया है एनसीबी के इस सवाल पर कि आखिरकार उन्होंने करण जौहर, फिल्म निर्माता करण जौहर को तो समन कर दिया, तो फिर अभी तक क्यों नहीं समन किया गया है कंगना रनावत को? आखिरकार क्या है पूरा माजरा, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। और आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस के नेता है सचिन सावंत और उन्होंने इस समय एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं एनसीबी पर एलिगेशंस लगाए हैं और महाराष्ट्र को बदनाम करने के एलिगेशन लगाए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि आपने एनसीबी ने करण जौहर को तो समन भेज दिया कि साल 2019 में हुई उनके घर पर पार्टी पर उनको सारी डिटेल्स देनी चाहिए, सारी जांच होनी चाहिए, उस वीडियो का हर जो चीज है वो सामने आनी चाहिए, लेकिन अभी तक कंगना रनावत को क्यों नहीं दिया गया है समन ड्रग्स के मामले में? क्योंकि खुद एक इंटरव्यू के दौरान जो है कंगना रनावत ने इस बात को कबूला था कि कंगना रनावत भी एक समय पर इन सब चीजों का सेवन किया करती थी। इनफैक्ट आपको याद दिला दूं कि शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने भी इस तरह का एक इंटरव्यू दिया था कि कंगना जो है अध्ययन को एक ऐसी पार्टी में लेके गई थी जहां पर ड्रिंक्स, ड्रग्स, ये सारी ही चीजों का इस्तेमाल हो रहा था। खैर, भले कंगना ने इस बात से मुंह फेर लिया था, इस चीज के लिए मना कर दिया गया था, लेकिन कंगना पर ये एलिगेशंस भी उठे थे। अब सचिन सावंत का कहना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए हो रहा है, फडणवीस से भी क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है इस मामले में? तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री को लेकर जो है वो कई सवालात उठाए जा रहे हैं कि कई लोगों को एनसीबी समन कर रही है और कई लोगों को नहीं कर रही है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंगना रनावत को समन करने की बात की जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि कंगना रनावत को अगर समन किया भी जाता है तो इस बात पे कंगना रनावत जो है ऐसा हो सकता है कि चार बातें और खोल कर रख दे, जिसे समन करवाना है तो करवा लीजिए। ऐसे में आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अगर कंगना को समन किया जाना चाहिए एनसीबी द्वारा या नहीं, राय कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।